100 गज के अंदर अपना ड्रीम होम। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है कि हम 100 गज के अंदर किस तरीके से अपना एरिया बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर 5 फ्लोर्स बना रखे हैं, बहुत ही शानदार व्यूज़ होंगे। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे पूरा का पूरा देखने। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसके घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है 107 गज के अंदर प्रॉपर कवर्ड एरिया है और 132 गज के इसका एरिया है प्रॉपर। तो 132 गज के अंदर हमने 107 गज को प्रॉपर हमने इसको बना रखा है। तो 100 गज के अंदर किस तरीके से आप भी अपना ड्रीम होम बना सकते हैं, वो भी लिफ्ट के साथ, जकूजी के साथ, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। यहाँ पर हमने ये जो आपकी तकरीबन हमने 15 फुट की स्पेस के लिए आपके लिए पार्किंग की स्पेस रखी है और जो 22x44 के अंदर ये प्रॉपर घर बना हुआ है। तो आपका ये तकरीबन 22 फुट चौड़ाई में ये एरिया है और बिल्कुल सेंटर इसके एरिया में हमने इसकी स्टेयर्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमारी फरारी गाड़ी खड़ी है। देखिए कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर है, देखिए रेड कलर की आपकी फरारी है। तो ड्रीम होम होगा आपके लिए। अगर जो आपने घर को खरीदना है, विजिट करना है, तो अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो डिमेंशन की बात मैंने जब बताई थी कि ये आपको 15 फुट का स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और ये प्रॉपर गेटेड सोसाइटी के अंदर घर है और चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन, जीरकपुर पटियाला हाईवे के ऊपर प्राइम लोकेशन के अंदर घर है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ होने वाले इस घर के। आप विजिट करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। अब यहाँ पर ये 22 फुट की चौड़ाई पे एरिया है, तो यहाँ पर आपकी 22 फुट यहाँ से एरिया है और उसके सेंटर में बिल्कुल हमने बिल्कुल के सेंटर में इसकी स्टेज बना रखी है जो कि एक बहुत ही शानदार लुक दे रखी है। और यहाँ पर भी अच्छा हमने कीलेस एंट्री का डोर है और इसकी फ्रंट एलिवेशन मैं इसके अंदर बात करूँ तो बेसमेंट बना रखी है और 4 फ्लोर्स। और बेसमेंट में हमने बना रखा है अपना होम थिएटर सिस्टम, बहुत ही शानदार होम थिएटर एरिया और टॉप पे इसके जकूजी है। तो टॉप तक आप इस वीडियो को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते। अब देखेंगे इसकी फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन में हमारा आजकल की मॉडर्न स्टाइल में प्रॉपर पर्पल कलर का लुक है और वाइट का और अच्छा रॉयल्टी वाला लुक है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। ब्यूटीफुल फ्रंट एलिवेशन को। अब ये जो घर है तकरीबन 100 गज के अंदर, या तो 100 गज के अंदर मेरा एक कीवर्ड वायरल है कि 100 गज टेक्रोकेट अंशुल का होम, तो मैं इसके अंदर ये वीडियो लेके आया हूँ कि जहाँ पर आपके पास 100 गज जगह में आप प्रॉपर लग्जरी स्टाइल से बना सकते हैं। प्रॉपर जितना भी आपकी लग्जरी डेवलप होनी है वो इसके अंदर डेवलप हो सकती है। अभी ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है और स्टेप्स के अंदर ये तकरीबन हमारे 5 स्टेप्स हैं और तकरीबन ये 5 फुट की ऊंचाई पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने मेन डोर बनाया। तो आपका घर जब भी छोटा है तो हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रॉपर टीक वुड का डोर है, कीलेस एंट्री जो आजकल की मॉडर्न लुक में कीलेस एंट्री है और बहुत ही अमेजिंग इसका डोर का स्टाइल। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकेट अंशुल। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। फ्रेंड्स, अब आ गए हम इस घर के अंदर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हम मिलते हैं राइट साइड पे हमारी जा रही हैं स्टेयर्स जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज में यही है कि वास्तु में रहेगी ये प्रॉपर स्टेयर्स। टॉप फ्लोर तक हमारी लिफ्ट जा रही है, प्रॉपर वर्किंग लिफ्ट आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ है। ये हमारा फॉयर एरिया, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा एरिया है। बहुत ही शानदार व्यूज़ है। इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ जो कि नीचे हैं बेसमेंट पे और बहुत ही मतलब वो बेस फ्लोर है तो बहुत ही शानदार। इसमें हमने प्रॉपर पाइन वुड की हमारी स्टेयर्स हैं, बहुत ही शानदार व्यू। इसके ग्राउंड फ्लोर जो कि बेसमेंट इसमें दिखाया गया है, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ गए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर हमने प्रॉपर ये हमारा एरिया है जो ड्राइंग रूम एरिया है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ ये तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 15 फुट एरिया है। और यहाँ से हमारी जो स्टेयर्स जा रही है हमने यहाँ पर प्रॉपर पाइन वुड का काम किया गया है, पाइन वुड, और उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है। बहुत ही शानदार व्यूज़ दे रहे हैं, आप देखिए कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर है। उसके साथ ही हमारा सोफ़ा सेट आ जाता है जिसके अंदर हमारा 10 सीटर सोफ़ा पड़ा है, बहुत ही स्पेशियस सोफ़ा। तो 100 गज के अंदर, 107 गज के अंदर कैसे आप अपना ड्रीम होम डिज़ाइन कर सकते हैं लग्जरी स्टाइल। आजकल क्या है कि बड़ी सिटीज़ के अंदर जैसे मुंबई हो गई या फिर दिल्ली हो गया, वहाँ पर आपको एरिया का
कम स्पेस मिलता है, लेकिन हमने इसके अंदर ड्रीम होम प्रॉपर डिज़ाइन किया है। अच्छा हमारा प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, हमारे की सारी की सारी प्रोफाइल लाइटिंग हमारी सीलिंग के अंदर, तो हैवी सीलिंग इसी तरीके से आपको मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमारा सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, तो बहुत ही, और यहाँ पर भी जो ओवर हेड तक हमने यहाँ पर कुशनिंग का पार्ट किया गया हमारे इस एरिया में, जो भी चीज़ें आपको इस घर के अंदर दिख रही हैं आपको एज इट इज़ मिल सकती हैं मोहाली के पास जीरकपुर एरिया में। तो बहुत ही शानदार, देखिए आप इसके ड्राइंग रूम को। तो जो एरिया है जहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया हुआ अपना होम थिएटर सिस्टम और राइट साइड में आपका लॉन्ज एरिया है, तो आप वहाँ पर भी बैठ के देख सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार हमने ये एलिवेशन के साथ हमने इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग का काम किया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी प्रॉपर वाइन बॉटल्स का काम है, प्रॉपर अमेजिंग वर्क है। और बहुत ही शानदार हमने इसके अंदर जो क्या होता है कि इंसुलेशन प्रूफ हमारी एरियाज हैं, इंसुलेटेड हमारी रूफ है, और प्रॉपर हमारा यहाँ पे LED TV यूनिट लगा हुआ है, 74 इंचज़ का TV यूनिट जो आजकल चल रहा है, यहाँ पे आपका AC यूनिट लगा हुआ है, तो बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आपके रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं, आराम से बैठ के रिक्लाइनर सीट के ऊपर अपना TV इंजॉय कीजिए। बहुत ही शानदार हमारा छोटा सा एरिया है जहाँ पे हमने ये तकरीबन इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन हमारा 10 फुट की चौड़ाई में और 6 फुट लंबा एरिया, लेकिन हमने उसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि ये हमारा होम थिएटर एरिया बन गया है। और इसके साथ ही आ जाता है हमारा लॉन्ज एरिया, बहुत ही शानदार लॉन्ज एरिया है जो यहाँ पर भी 8-सीटर सोफ़ा पड़ा है, आप उधर भी बैठ के देख सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ के देख सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे शैंडलियर्स का काम है, जो भी चीज़ें आपको इस घर के अंदर दिख रही हैं आपको एज इट इज़ मिलेंगी। बहुत ही अमेजिंग घर है, बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, आप देखिए। थोड़ा सा एलिवेशन के साथ हमने एक हमने बना रखा है अपना वॉशरूम एरिया, तो बहुत ही शानदार वॉशरूम है, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर ब्लैक टाइलिंग का वर्क है, तो बहुत ही शानदार वॉशरूम है, आप देखिए। ग्राउंड फ्लोर के व्यूज को अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो 4 फ्लोर्स हैं, हमने उस पर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ड्राइंग रूम, उसके साथ ही हमारा होम थिएटर। अब ये लिफ्ट के थ्रू हम फर्स्ट ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। वर्किंग में लिफ्ट है, देखिए 1 पे आ गई है और 0 पे आएंगी, तो प्रॉपर लिफ्ट है। और यहाँ पर इसी तरीके से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फ्रेंड्स, लिफ्ट के अंदर भी प्रॉपर एरिया है जहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग का काम किया गया, अच्छा प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फ्रेंड्स, अब आ गए इसके ग्राउंड फ्लोर के अंदर, बहुत ही शानदार व्यूज हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ से एंट्री करी थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है आपकी किचन, बहुत ही शानदार किचन है। हम पहले किचन की बात करेंगे, इसकी डिमेंशन की बात करूँ 8x9 का बहुत ही शानदार किचन है। इसमें हमने वाइन कलर का काम किया गया है, वाइट क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क है, यहाँ पे आपका डबल डोर फ्रिज पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी सारी एमेनिटीज लाइक माइक्रोवेव, आपके बास्केट जो फ्रूट बास्केट्स वगैरह होते हैं, पैंट्री यूनिट, तो बहुत ही शानदार किचन है। और इसके अंदर हमने एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम किया। तो जब भी किचन डिज़ाइनिंग की बात करूँ, हमने किस तरीके से अपने किचन डिज़ाइन करनी है, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, हमने जैसे प्रॉपर वाइट कलर का इस्तेमाल क्वार्ट्ज मार्बल जो आजकल की ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ चल रहा है उस तरीके से किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर प्रॉपर सॉफ्ट टच के अंदर सारे के सारे इंक्लोजर सॉफ्ट टच के अंदर हैं। यहाँ पे भी जब आपकी कॉर्नर एरिया है वहाँ पर मैंगो स्लाइडिंग डोर्स चल रहे हैं, उस तरीके के हमने मैंगो स्लाइडिंग डोर्स चल रहे हैं, तो वो भी सॉफ्ट टच के अंदर प्रॉपर इस तरीके से आपके वर्किंग में है। और ये भी सारे के सारे सॉफ्ट इंक्लोजर्स हैं। एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम चल रहा है, उसके साथ ही हमारे जो फूड बास्केट्स हैं या फूड बास्केट जैसे कि आजकल न्यू इंक्लोजर्स आ रहे हैं उस तरीके से। और यहाँ प्रॉपर पेंट्री यूनिट है, ये प्रॉपर पेंट्री यूनिट, इसी तरीके से हमने एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर एरिया रखा है, चिमनी के लिए 6 इंचज़ का पाइप लाइन, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में तड़के वगैरह लगते हैं। और ये सारे के सारे पुल हैंडल के साथ बहुत ही शानदार हैंडल्स हैं, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं इस घर के अंदर। चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, आप देखिए।
हमारा अटैच्ड डाइनिंग एरिया, कितना रॉयल वाला डाइनिंग एरिया, आप देखिए कितना शानदार। यहाँ पर आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है प्रॉपर क्वार्ट्ज मार्बल के साथ, और यहाँ पर भी अच्छा टीक वुड की हमारी जो आजकल चेयर्स हैं प्रॉपर रॉयल्टी वाली चेयर्स आपको इसी तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर भी एक छोटा सा हमने एरिया टी एरिया बना दिया गया है जहाँ पे टी पॉट वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, छोटा सा एक राउंड टेबल। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, और इसके जो बेस्ट पार्ट है कि सारा का सारा घर सेंट्रली एयर कंडीशनड आपको इसी तरीके से मिलेगा, ये सेंट्रली एयर कंडीशनड एरिया है। और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारे फॉल सीलिंग डिज़ाइन का, रॉयल्टी वाला रुक जैसे गोल्डन लुक यहाँ पे है। हमारा साइड में भी टी पट्टी जो लगाई हुई है प्रॉपर एरियाज के साथ उसी तरीके से गोल्डन लुक में है, तो बहुत ही शानदार। और स्विचेस भी देखिए कितने अमेजिंग स्विचेस हैं, ग्रे और ब्लैक कलर का बहुत ही शानदार स्विचेस भी हैं। ब्रांडेड फिटिंग्स में आपको इसी तरीके से एक घर मिल सकता है। अगर जो खरीदना है अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, आप देखिए इसके डाइनिंग एरिया को। हम 100 गज के अंदर आप नज़र पा रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखिएगा कि इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया। अब ये जो कमरा है 12x13 का बहुत ही शानदार कमरा है, हमने ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही बेडरूम बनाया तो अमेजिंग है। उसके बाद आपके 8 बेडरूम्स हैं, तो अलग अलग एरियाज़ में हम चलेंगे इसके। यहाँ पर अपने प्रॉपर एरिया बना रखा है, देखिए जो हमारा बैक में हमने इसके अंदर पाइन वुड का काम किया, ग्लास का अच्छा काम किया गया, तो अच्छा काम किया गया हमारे प्रॉपर बैक पैनल का। पूरे के पूरे एरिया के अंदर सॉफ्ट कुशनिंग का काम है, ग्रे कलर की सॉफ्ट कुशनिंग, सिमिलरली ग्रे कलर की सॉफ्ट कुशनिंग है हमारी LED TV यूनिट के अंदर। ये LED TV यूनिट भी बहुत ही शानदार, आपको इसी तरीके से सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने बर्तन और घर के अपने कपड़े लेके आने हैं और आप यहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल ही सेम एरिया, और यहाँ पर भी अच्छा हमने यूरोपियन स्टाइल में जो आजकल वॉल्स चलनी है उस तरीके के यूरोपियन वॉल्स का काम है। और यहाँ पर जो हमारे सारे कर्टन्स हैं बैक में छुपे हुए, जो हमारी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन का काम है उसी तरीके से। तो बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है। जो बेडरूम डिज़ाइन की बात करूँ, हमेशा आप नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कीजिए, हमें प्रॉपर नॉर्मल लुक में सीलिंग आती है उस तरीके का डिज़ाइन किया है, कोई हैवी वर्क नहीं। सिर्फ राइट साइड में जो एक एरिया है जहाँ पे हमने लाइट ब्राउन कलर का टिंज का इसमें 4K लाइटिंग का वर्क किया है, इसमें भी बैक में भी हैवी वॉल किया है सिर्फ, और अच्छा लाइट कलर का काम किया गया, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। एसी के साथ साथ वेंटिलेटेड एरिया जहाँ पे हमने मेश डोर का काम किया गया है, सारे के सारे डोर्स हैं 8 फुट की ऊंचाई पे और 11 फुट के ऊपर इसके अंदर स्लैब लगी हुई है। तो बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट बेडरूम, आप देखिए इसको। के अंदर अटैच वॉशरूम में हमने प्रॉपर आजकल की मॉडर्न स्टाइल की लुक का काम किया गया। यहाँ पे हमारे जो वार्डरोब्स हैं आपको इसी तरीके से मिलेंगे, ये सारे के सारे अंदर जो ड्रेसिंग एरिया के अंदर हमने वार्डरोब्स बनाए हैं, पूरे ओवरहेड तक बनाया है और अच्छे ग्लास में काम है, तो बहुत ही शानदार आजकल सॉफ्ट टच में है। और उसके अंदर ये प्रॉपर वैनिटी एरिया है जो हमारा इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे हमने टफ एंड ग्लास के अंदर ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल किया है। जब भी आप वॉशरूम डिज़ाइन की बात करें तो किस तरीके से आप वॉशरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमेशा वेंटिलेटेड एरिया रखें, हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। ऊपर हमेशा नॉर्मल सीलिंग का काम कीजिए, इसमें हमने हैवी किया है लेकिन आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। ओवरहेड टाइलिंग का काम कीजिए, आपका ओवरहेड टाइलिंग में अच्छा काम नज़र आएगा और जितनी लाइटिंग आप लगाएंगे उतना डिफाइनिंग होगा। और आजकल के मॉडर्न लुक में यह है कि आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, सर हम इसके अंदर बाथ टब लगाएं, नहीं सर वो बाथ टब मत लगाइए, बाथ टब यूज़ नहीं होता। आजकल टफ एंड ग्लास का काम है, टफ एंड ग्लास लगाइए विद शॉवर। और बाथ टब कहाँ पे यूज़ करना है, जकूजी कहाँ पे यूज़ करना है, टॉप फ्लोर पे यूज़ करेंगे हम, देखेंगे उसको। आप देखिए इसके वॉशरूम को। हमारा अटैच्ड बैक कोर्टयार्ड एरिया जहाँ पर हमने वॉशिंग एरिया वगैरह बना रखा है, तो ये हमारा बैक कोर्टयार्ड है, हमने यहाँ पे प्रॉपर वॉशिंग एरिया बना रखा है जहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी
सारी वॉशिंग एरिया, आपके एसी के डक्ट्स आपको इसी तरीके से लगाने पड़ेंगे, आपके गटर्स एंड ऑल यहाँ पर ये होंगे, तो प्रॉपर एरिया डिफाइंड है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन ये 8 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट एरिया है, तो बहुत ही शानदार एरिया आप देखिए। इसके फर्स्ट फ्लोर के उसके ऊपर चलेंगे सेकंड फ्लोर के अंदर, यहाँ पे हम मैं स्टेयर्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने प्रॉपर स्टील रेलिंग का वर्क किया गया है, कितना शानदार आपके स्टील रेलिंग का वर्क है। नीचे ग्रेनाइट का सुंदर वर्क, लाइट ब्राउन ग्रेनाइट का, और अच्छा काम किया गया है यहाँ पर भी हमारी लाइटिंग का, कितने यहाँ पे अच्छा एरिया है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ है। और यहाँ पर भी फ्रंट एलिवेशन पे जो हमारी बालकनी एरिया है, तो बहुत ही शानदार एरियाज है। यहाँ पर आगे ये हमारा फॉयर एरिया, जो फर्स्ट फ्लोर का फॉयर एरिया है, यहाँ पर हमने अच्छा मेटल का काम किया गया, जो आजकल के मेटल के आर्टिफैक्ट्स चल रहे हैं, इसी तरीके से स्पॉटलाइट के कितना सुंदर काम किया गया है। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम कितना अमेजिंग बेडरूम है, कमेंट में अभी जरूर लिखिए। 100 गज के अंदर आप अपना लग्जरी होम डिजाइन कर रहे हैं, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर देख पा रहे हैं। सेकंड बेडरूम की डिमेंशन की बात करूँ, ये 12x15 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पे आपका किंग साइज बेड लगने के बावजूद यहाँ पर तकरीबन 4 फुट की ये स्पेस है, और यहाँ पर भी अच्छा वुडन फ्लोरिंग का कितना सुंदर काम है, कितना लग्जरी काम है आप देख पा रहे हैं। इसमें भी हमने बैक पे इसके प्रॉपर टाइलिंग का वर्क है, उसके अंदर टी पट्टी का काम है, तो टाइलिंग के अंदर हमने टी पट्टी लगाई है, तो बहुत ही शानदार वुडन लुक में। और यहाँ पर भी अच्छा माइका का काम है, और बहुत ही नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो नॉर्मल मॉडर्न लुक में आ रही है, विद स्पॉटलाइट आपको इसी तरीके से मिलेंगी। जो भी चीज़ें इस घर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो इसी तरीके से आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर आपकी वुडन लूवर्स का काम है, जो आजकल की मॉडर्न पाइन वुड में वुडन लूवर्स आ रहे हैं, बहुत ही शानदार है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और साथ ही एक छोटा सा एरिया रखा हुआ है जहाँ पे हम सिटिंग कर सकते हैं, मतलब सोफा टाइप सेट है, उसको भी अच्छा डिफाइन किया गया, तो बहुत ही शानदार इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया, तो बहुत ही शानदार ड्रेसिंग एरिया। इसमें हमने आजकल की मॉडर्न लुक में जो आजकल चल रही है ग्लास की, उसकी तरीके से किया है, तो प्रॉपर हमने ग्लास में स्लाइडिंग डोर्स के साथ किया है, प्रॉपर सॉफ्ट टच के अंदर है, और ड्रॉर्स भी अंदर से भी लेमिनेटेड, बाहर से भी लेमिनेटेड, सारे के सारे ये सॉफ्ट टच के अंदर, इंक्लोजर्स अंदर से भी लेमिनेटेड, बाहर से ये हमने प्रॉपर ग्लास का काम किया, तो बहुत ही शानदार। इसमें भी अच्छा प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह, देखिए कितनी शानदार, इसके अंदर घर के अंदर पैसा खर्चा हुआ आपको नजर भी आएगा। इसके साथ ही आ जाता है अटैच वॉशरूम, तो बहुत ही शानदार वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर हमने जो टाइलिंग का वर्क किया है, लाइट टाइलिंग, एक यहाँ पर डार्क टाइलिंग, और प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, अच्छा वैनिटी का डिज़ाइन, जो आजकल की मॉडर्न लुक में वैनिटी चल रही है, स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स लग रही हैं, उसका अच्छा ही लुक आता है, वेंटिलेटेड एरिया, तो बहुत ही शानदार व्यूज़। अब चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। ये इसकी जो डिमेंशन की बात करूँ, ये तकरीबन 12x13 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया गया है, वहाँ पे आपकी सीनरी का वर्क है, और वाइट कलर का अच्छा मल्गमेशन, वाइट कलर की आपका बेड पड़ा हुआ है विद कुशनिंग एंड ऑल, सारा कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगा, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। यहाँ पर हमने वुडन का काम किया गया है बैक में, और इसकी जो LED TV यूनिट भी बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर भी L शेप में TV यूनिट है, तकरीबन ये 8 फुट की चौड़ाई में नहीं है, तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में, और ऊपर टॉप तक 11 फुट की स्लैब तक हमने इसको कुशनिंग एरिया बना रखा है। यहाँ पर भी अच्छा लाइटिंग का काम किया गया है, तो बहुत ही शानदार। और ये भी सारी की सारी आपकी खुलेगी, तो आप क्या क्या कि बिल्कुल बंद भी है और क्लोज भी है और ओपन भी है, और लुक में ज़बरदस्त आपका नज़र आ रहा है, तो बहुत ही शानदार ये हमारा थर्ड बेडरूम है, और बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं, आप देखिए। फ्रेंड्स, इसके साथ भी आया था अटैच वॉशरूम, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर था उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉशरूम है। यहाँ पे भी हमने टफ एंड ग्लास के साथ इसका काम किया गया है, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है, यहाँ पे जो सारी वार्डरोब्स हैं अंदर ही की हुई हैं विद स्लाइडिंग डोर्स के साथ, प्रॉपर लैमिनेटेड आपको इसी तरीके से मिलेंगे, आप देखिए। बालकनी, इसकी फ्रंट में भी बालकनी थी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, लेकिन इसकी अगली फ्लोर पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी फ्रंट में भी बालकनी है, बैक में भी बालकनी है, तो क्या है कि वो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है। यहाँ पर भी हमने वॉशिंग एरिया का प्रॉपर एरिया रखा है, और यहाँ पे उसकी ड्रेन है, और सारे के सारे AC के डक्ट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे, आप देखिए।
की सेकंड फ्लोर की तरफ। अब हम चलेंगे, पहले हम उसकी स्टेयर्स की तरफ चलते थे, अब लिफ्ट के थ्रू चलेंगे। फ्रेंड्स अब हम लिफ्ट के थ्रू इसके सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो स्टेयर्स जा रही हैं बहुत ही शानदार, ये भी प्रॉपर फॉयर एरिया उसी तरीके से है। अब चलेंगे फोर्थ बेडरूम, कितना शानदार बेडरूम है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 10x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर भी हमने अच्छा प्रॉपर बैक में अच्छा वॉलपेपर का काम है, तो बहुत ही लुक में ज़बरदस्त और अच्छा वाइट कलर की ग्रेशियस वॉलपेपर और उसके साथ अच्छी हमारी एलिगेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। इसके साथ ही आया था हमारी फ्रंट में बालकनी, जो कि मैं मिस कर गया था। यहाँ पे फ्रंट में बालकनी है, यहाँ शेप में एलिवेशन में हमारी फ्रंट में बालकनी, तो बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ ये सारी की सारी ग्रिल्स हैं और अच्छा हमारा काम किया गया है प्रॉपर फॉल सीलिंग का, बहुत ही अमेजिंग। आप देखिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके बेस्ट पार्ट अभी बाकी है, वीडियो रोकेगा नहीं। इसके साथ ही है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्पेसेस जल्दी जल्दी दिखा देते हैं कि ये ड्रेसिंग एरिया है, तो बहुत ही शानदार। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, इसमें भी प्रॉपर हमारा लाइटिंग का वर्क है, तो बहुत ही ग्रेसफुल एलिगेंट घर बना हुआ है। अब चलेंगे इसके फिफ्थ बेडरूम की तरफ। फिफ्थ बेडरूम के अंदर, फिफ्थ बेडरूम भी बहुत ही ग्रेसफुली एलिगेंटली बना गया है। यहाँ पर हमने प्रॉपर कुशनिंग का काम किया है, तकरीबन 6 फुट की ऊंचाई तक उसमें हमने रोज गोल्ड पट्टी का काम किया गया है। अच्छा हमारा गोल्डन लुक का हमारा एरिया है, प्रॉपर कुशनिंग आपके साथ बेड के साथ भी सिमिलर ही कुशनिंग है, तो बहुत ही शानदार वर्क्स हैं। उसके अंदर हमने प्रॉपर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया है हमारी फॉल सीलिंग के अंदर। इसके अंदर अच्छा काम किया गया है हमारा जो LED TV यूनिट का, यहाँ पे हमने प्रॉपर आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं। ये छोटी सी स्पेस है जहाँ पर आप अपना एरियाज रख सकते हैं, और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारे सारे एनक्लोजर्स प्रॉपर वुड के अंदर, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं। इसके साथ ही आया था अटैच्ड हमारा ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम, ये भी बहुत ही शानदार हमारा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वैनिटी यूनिट है, यहाँ पर आपका प्रॉपर वार्डरोब एरिया है, तो बहुत ही शानदार वार्डरोब एरिया विद प्रॉपर वेंटिलेशन का। तो इसके बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन का ध्यान, नीचे एंटीस की टाइलिंग का वर्क बहुत ही अमेजिंग, आप देखिए। चलते हैं इसके टॉप फ्लोर की तरफ। अब चलते हैं इसके टॉप फ्लोर की तरफ, जहां पर इसका सबसे बेस्ट पार्ट है रूफ टॉप, और जिसमें हमने जकूजी लगाया हुआ है, हमारा बार है, बहुत ही शानदार व्यूज है। और इसके साथ ही हमारा स्टील रेलिंग, और जैसे मैंने नीचे दिखाया था स्टील रेलिंग और बहुत ही सुंदर ग्रेनाइट का वर्क है। अब चलेंगे इसके टॉप फ्लोर की तरफ। इसके साथ ही जैसे हमने यहाँ पे रूफ टॉप के अंदर बहुत ही शानदार हमने शैंडलियर का डिज़ाइन है, तो और ऊपर भी हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया, कितना अमेजिंग वर्क है आप देखिए, बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा मिस नहीं किया, आप टॉप तक आ चुके हैं, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही हम इस यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर राइट साइड में जैसे मैंने बताया था कि ये प्रॉपर लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से आ रही है और बेसमेंट तक जा रही है, और यहाँ पर हमारी लिफ्ट लगी हुई है, और इसके साथ ही हमारा आ जाता है जो माउंटी होती है टॉप फ्लोर की, हमने माउंटी के ऊपर वुडन का अच्छा काम किया गया। ये माउंटी है जो हमारी, ये तकरीबन हमारी 10-15 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट एरिया है, तो बहुत ही शानदार। इसके साथ ही हमने यहाँ पर पीछे ग्रीन ग्रास का वर्क किया है, ग्रीन ग्रास बहुत ही शानदार, और उसके साथ हमने छोटी छोटी लाइटिंग का वर्क किया, और यहाँ पे आपकी वाइन की बॉटल्स, तो ये प्रॉपर बार काउंटर है। उसके साथ हमने 3 सिटिंग पॉइंट्स हैं, लाइट ग्रे का अच्छा माइका का वर्क है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। और यहाँ पे जो हमारे गीज़र का पॉइंट है, जो हमारी बाहर जकूज़ी है, तो गीज़र का हमने पॉइंट अंदर ही रखा है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, आप देखिए इसको। इसके साथ ही चलते हैं हम इसके रूफ टॉप की तरफ, जहाँ पर हमने ये देखिए प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम किया गया है, और बहुत ही शानदार हमारा रूफ टॉप है। यहाँ पर हमने नीचे ग्रीन ग्रास, जो आर्टिफिशियल ग्रास है, उसके अंदर टाइलिंग का बहुत सुंदर वर्क है, जो आजकल लाइट ब्राउन टाइलिंग के बाद है, बहुत ही अमेजिंग वर्क है। अब चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने एक एलिवेशन के साथ हमारा प्रॉपर एलिवेटेड, तकरीबन हमने 6 इंची को उठाकर यहाँ पर एरिया बना रखा है, जहाँ पर हमने सिटिंग कर रखी है। तो ये सारे के सारे सोफे हमने विदाउट, जो वाटरप्रूफ है, हमारे कुशंस भी इसके अंदर वाटरप्रूफ हैं, सोफ़ास पूरे वाटरप्रूफ हैं, यहाँ पर बना रखा है। इसके अंदर हमने यहाँ पर प्रॉपर
एक शेल्फ का एरिया है जहाँ पर हमने जैसे पार्टी करनी है तो पार्टी के ग्लासेस वगैरह होंगे या आपके बर्तन वगैरह होंगे, तो उसको धोने के लिए हमने प्रॉपर उसकी सिंक के साथ उसकी टैप भी लगाई हुई है। सारे के सारे एरियाज हमने प्रॉपर MS की ग्रिल्स के साथ उसको डिफाइन कर रखा है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। इसके साथ ही हमारा एक हमने यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग के लिए एक एरिया है जहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन है जिसमें स्विंग का डिज़ाइन है, तो आजकल के स्विंग चल रहे हैं हमने इस तरीके का डिज़ाइन भी कर रखा है। और यहाँ पर हमने क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये जकूजी एरिया, यहाँ पर बहुत ही शानदार जकूजी एरिया, ये तकरीबन हमारे चौड़ाई में 5 फुट लंबा एरिया है, उसके अंदर प्रॉपर पैरागोला का डिज़ाइन है, वाइट कलर की तारपोलिन का पैरागोला जो आजकल चलता है, इस तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पे आपके बैठ के आराम से इंजॉय कीजिए, संडे को इंजॉय कीजिए, वर्किंग डेज में इंजॉय कीजिए, तो बहुत ही शानदार। और उसके साथ ही एक एरिया है जहाँ पर हमने प्रॉपर अपना बना रखा है फाउंटेन एरिया, कि जैसे आप यहाँ से निकलेंगे तो फाउंटेन के लिए, और इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा नहीं है कि हमने जो भी चीज़ें की हैं। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, पैरागोला भी बहुत ही शानदार इंपोर्टेड टारपोलिन में, बहुत ही अमेजिंग एरिया आप देखिए। फ्रेंड्स आपको ये 107 गज के अंदर जो कि 132 गज टोटल एरिया है, 107 गज प्रॉपर बिल्टअप एरिया है, उसके अंदर घर कैसा लगा, मतलब ये एक ड्रीम होम होता है बंदे का कि ग्राउंड प्लस 4 और बहुत ही शानदार इसका रूफ टॉप, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर के साथ। फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।